हे गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। अभी स्क्रीन पर देखा इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए एक ऐप का जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है एलाइट मोशन। प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर लेना, मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ। इसके बाद ओपन कर लेना और मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सॉन्ग बीट मार्क और सैक इफेक्ट का लिंक दिया हूँ, जाकर डाउनलोड कर लेना। और सबसे पहले सॉन्ग बीट मार्क वाले पर क्लिक करना। इसके बाद जो भी फोटो को स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ फोटो को ऐड कर लेना जल्दी से। मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी फोटो को ऐड। तो गाइस जल्दी जल्दी से आप लोग भी ऐड कर लेना, और नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो गाइस जल्दी जल्दी से फोटो ऐड कर लेना। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं फास्ट करके फोटो को जल्दी जल्दी ऐड कर लेता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस मैं फोटो को कर चुका हूँ ऐड, और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, देखते हैं कौन सा फोटो पर कौन सा इफेक्ट मांगा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाला फोटो पर फोर्थ इफेक्ट मांगा है। इसके बाद फिर से बैक आ जाना, इसके बाद सेकंड इफेक्ट पर क्लिक करना और फोर वाले इफेक्ट को कॉपी कर लेना। मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी इफेक्ट पर क्लिक करना, फिर से बैक आ जाना, फिर से सॉन्ग वाला बीट मार्क पर चले जाना। इसके बाद फर्स्ट वाला फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना। इधर कोने में थ्री लाइन का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करना और पेस्ट इफेक्ट कर लेना। फिर से बैक आ जाना और देखते हैं सेकेंड वाला फोटो पर कौन सा इफेक्ट मांगा है। सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट इफेक्ट मांगा है। तो मैं जाता हूँ फिर से साइड वाला इफेक्ट पर और फर्स्ट वाला इफेक्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर से चले आना है बैक। फर्स्ट वाला फोटो पर क्लिक करना है, फिर से इफेक्ट पर जाना है, फिर से कर लेना है इफेक्ट को पेस्ट। और थर्ड वाला को भी यही इफेक्ट मांग चुका है, तो यही कर लेना पेस्ट। और फोर्थ वाला भी यही इफेक्ट मांगा है, तो कर लेना इसी पर क्लिक। और देखते हैं यहाँ अगला फोटो पर कौन सा इफेक्ट मांगता है। तो टू वाला इफेक्ट मांगा है अगला फोटो पर। तो वीडियो को लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी से कर लेना है क्लिक। मैं कर लेता हूँ। फाइनली गाइज मैं इफेक्ट को लगा चुका हूँ और वीडियो को सुना कर दिखा देता हूँ। इसके बाद इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ कोने पर तीर का आइकन दिखा रहा है, यहाँ पर क्लिक करना और जितना भी साइज में आप रखना चाहते हैं रख लेना। और वीडियो कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।